स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस विद्वान द्वारा किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त होता है? मतंकृत बृहद्देशी में महर्षि भरत ने कितने शुद्ध तथा विकृत स्वर माने हैं? 7 तथा 2। महर्षि भरत के विकृत स्वरों के क्या नाम थे? अंतर गंधार तथा काकली निषाद। ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है? मुकाम। 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? सामिक। 2 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? गाथिक। 1 स्वर से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? अर्चिक। आधुनिक समय में अंतर गंधार स्वर को क्या कहा जाता है? शुद्ध गंधार। प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है? कोमल गंधार। भरत काल के षड्ज का स्थान मध्य काल में किस स्वर ने ले लिया? पंचम। भरत काल के मध्यम स्वर का स्थान मध्य काल में किस स्वर ने ले लिया? षड्ज। षड्ज मध्यम स्वर का आपसी गुणोत्तर क्या है? 3:04। षड्ज पंचम स्वर का आपसी गुणोत्तर क्या है? 2:03। तानपुरे की मंद्रसा की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है? गंधार। किसी स्वर को बजाने से उसमें से कुछ अन्य स्वर भी सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, इन स्वरों को क्या कहा जाना है? स्वयंभू स्वर। आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छना के स्वरों से मिलते हैं? रजनी। पंडित अहोबल ने कितने स्वरों का वर्णन किया है? 29। पंडित अहोबल ने कितने शुद्ध स्वर, कोमल विकृत स्वर तथा तीव्र विकृत स्वर अपने ग्रंथ में बताए हैं? 7, 8 तथा 14। वीणा की तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई? अहोबल। पंडित अहोबल के अनुसार वीणा की तार के ठीक मध्य में कौन सा स्वर का स्थान है? तार षड्ज। पंडित अहोबल के अनुसार वीणा की षड्ज तथा पंचम के ठीक मध्य में कौन सा स्वर का स्थान है? शुद्ध गंधार। राग तत्व विबोध ग्रंथ में पंच श्रीनिवास ने 22 श्रुतियों के अंतर्गत कितने शुद्ध स्वर तथा विकृत स्वर बताए हैं? 7 शुद्ध तथा 5 विकृत। पुनरीक विठल ने विकृत स्वरों क्या नया नाम दिया? गतिक। रामामात्य ने कुल कितने स्वर माने हैं? 14। रामामात्य ने कुल कितने शुद्ध तथा विकृत स्वर माने हैं? 7 शुद्ध तथा 7 विकृत। पंडित शारंगदेव ने कुल कितने शुद्ध तथा विकृत स्वर माने हैं? 7 शुद्ध तथा 12 विकृत। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने क्रियात्मक संगीत कुल कितने शुद्ध तथा विकृत स्वर माने हैं? 7 शुद्ध तथा 12 विकृत स्वर। पंडित भातखंडे ने कितने शुद्ध तथा विकृत स्वर माने हैं? 7 शुद्ध तथा 5 विकृत स्वर।